ओम शांति। 10/10/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, प्रभात के समय अमृत वेले मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। क्वेश्चन है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज किस आधार पर मिलती है? आंसर, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेना है तो बाप का पूरा मददगार बनो, श्रीमत पर चलते रहो। आशीर्वाद नहीं मांगनी है, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। देही सहित देह के सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिल जाएगी। उसमें पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। बाबा जो समझाते हैं, वह इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसी को समझ नहीं आएगा। वह ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो कुछ समझ ना सके। ऐसे कोई सत्संग होता नहीं जहाँ मनुष्य जाएं और कुछ समझ ना सकें। ये पढ़ाई है, और पढ़ाई में स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही समझ आएगा, और एकदम तो समझ भी नहीं आएगा। सत्संग नहीं है जो आए, बैठे रहे, सुना नहीं सुना, बस सत्संग पूरा और चले गए। तो बाबा ने कहा, जहाँ मनुष्य जाएं और कुछ ना समझ सके, वहाँ तो है ही शास्त्र आदि सुनने की बातें। यह है बड़े ते बड़ी कॉलेज, नई बात नहीं है। फिर से वह दिन आया आज। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया था और आज फिर दे रहे हैं, जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। इस समय भारत में राजा ही तो है ही नहीं। तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो, अर्थात तुम जानते हो कि जो विकारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं। बुद्धि मिली है, जो कोई कर्म करते हैं ये बुद्धि में रहना है ना। कोई भी हम कर्म करते तो बुद्धि में रहता है ना। तुम वॉरियर्स हो, जानते हो हम आत्माएं अब बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं, और चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में हैं, विजय तो हमारी ही है, यह तो सर्टेन है। विजय पांडव की हुई थी और हम शिव शक्ति पांडव सेना हैं, विजय हमारी ही है। बरोबर अब हम इस भारत को फिर से दैवी डबल सिरताज राजस्थान बना रहे हैं। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हम 84 जन्म पूरे कर अब वापस जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियों की यह संस्था क्या है, पूछते हैं ना। बी के फट से कहती हैं, हम इस भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं श्री मत पर। मनुष्य श्री का अर्थ भी नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। श्री श्री शिव बाबा हैं, उनकी ही माला बनती है। ये सारी रचना किसकी है? क्रिएटर तो बाप ही हुआ ना।
सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी हैं, सारी माला है रुद्र शिव बाबा की। सब अपने रास्ता को जानते हैं परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। वह कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं यह किसी की बुद्धि में भी नहीं है। वह तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत वर्ष चलना है। अभी तुम जानते हो हम दैवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। बरोबर, दैवी राजस्थान होगा फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा, पहले सूर्यवंशी कुल फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। तुम किसी को भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। ये लक्ष्मीनारायण सूर्यवंशी कुल और ये राम सीता क्षत्रिय कुल, फिर वैश्य शूद्रवंशी पतित कुल बन जाते हैं। पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए। यह एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ, ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ यह एग्जीबिशन बहुत ज़रूरी है। तब तो बच्चों की बुद्धि में बैठेगा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। वह चित्रों द्वारा समझाया जाता है तो बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह तो समझाया है सत्युग में आत्मा का ज्ञान है। सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है ये पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है। यह ख्यालात पिछाड़ी के टाइम में आता है, बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं। पहले ये ज्ञान नहीं रहता तो बच्चों को समझाया है ये परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई भी नहीं जानते जब तक कि बाप आकर अपना परिचय दे। और परिचय भी बहुत गंभीर है। उनका रूप पहले लिंग ही कहना पड़ता है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिए बनाते दिए बनाते हैं, मिट्टी के लिंग बनाते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते हैं जिनकी पूजा होती आई है। बाबा ने पहले ये नहीं बताया था कि आत्मा बिंदु रूप है। बिंदु रूप कहते तो तुम समझ नहीं सकते। जो बात अब समझानी है तब समझते, हाँ समझाते हैं। जो जब समझानी होती है बाबा कहते तभी समझानी होगी, पहले से कैसे समझाएंगे? ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया जो आज समझाते हो। नहीं, ड्रामा में नोंद ही ऐसी है। इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस की वृद्धि होती है, इन्वेंशन निकलती है तो फिर वृद्धि होती जाती है। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं, पहले इन्वेंशन करने में मेहनत लगी होगी, फिर देखो बड़े बड़े कारखाने में एक मिनट में मोटर तैयार हो जाती है। कितनी साइंस निकली है। तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी। यह बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में रहेगा, बाकी का तो खान पान झरमुई झंगमुई में टाइम वेस्ट होता है। ये तुम जानते हो। भारत में फिर से दैवी राजस्थान स्थापन हो रहा है। वास्तव में किंगडम अक्षर भी रॉन्ग है, भारत दैवी राजस्थान बन रहा है।
इस समय आसुरी राजस्थान है, रावण का राज्य है, हर एक में पांच विकार प्रवेश है। कितनी करोड़ों आत्माएं हैं, सब एक्टर्स हैं, अपने अपने समय पर आकर और फिर चले जाते हैं। फिर हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना होता है, सेकंड बाई सेकंड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो कल्प पहले पार्ट बजाया था वही अब बजता है। इतना सब बुद्धि में रखना है। धंधे धोरी में रहने से तो फिर मुश्किलात हो जाता है, परंतु बाप कहते हैं प्रभात का तो गायन है, गाते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन आदि आदि। तो बाप कहते हैं अभी और कुछ भी नहीं सिमरो, प्रभात के समय मुझे याद करो। बाप अभी सन्मुख कहते हैं। भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है, सत्युग त्रेता में तो गायन होता नहीं है। बाप समझाते हैं हे आत्मा अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो। भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ न कुछ याद करते हैं। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई है। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ मिलती रहती हैं। भारत इतना समय पहले दैवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ, फिर वैश्य राजस्थान बना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। घृणा जरूर है, मुख्य यह चक्र है। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो, सामने सत्युग है। ये चक्र कैसे फिरता है इसका तुमको ज्ञान है। जानते हो कल हम सत्युगी राजस्थानी में होंगे। कितना सहज है। ऊपर में त्रिमूर्ति शिव भी हैं, चक्र भी हैं, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं। यह चित्र सामने रखा हुआ हो तो कोई को भी सहज रीति समझा सकते हो। भारत देवी राजस्थान का था, अभी नहीं है। सिंगल ताज वाले भी नहीं हैं। चित्रों पर ही तुम बच्चों को समझाना है। यह चित्र बहुत वैल्यूएबल हैं। कितनी वंडरफुल चीज है, तो वंडरफुल रीति समझाना भी पड़े ना। यह छाड़ त्रिमूर्ति का चित्र भी सबको अपने अपने घर में रखना पड़े। कोई भी मित्र संबंधी आदि आए तो इन चित्रों पर समझाना चाहिए। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हर एक बच्चे के पास यह चित्र जरूर होने चाहिए। साथ में अच्छे अच्छे गीत भी हों। आखिर वह दिन आया आज, बरोबर बाबा आए हुए हैं, हमको राजयोग सिखलाते हैं। चित्र तो कोई भी मांगे मिल सकते हैं, गरीबों को फ्री भी मिल सकते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा दान कोई होता ही नहीं, तो दान करना चाहिए। जो भी आए उनको समझाना चाहिए, फिर एक दो को देख बहुत आएंगे। ये चित्र मोस्ट वैल्यूएबल चीज है, अमूल्य है। जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो, तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो। यह चित्र विलायत में जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए। इतना समय यह सन्यासी लोग कहते आए हैं हम भारत का योग सिखलाते हैं। हर एक अपने धर्म की महिमा करते हैं। बौद्ध धर्म वाले ने कितनों को बोधि बना दिया, परंतु उसमें फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। तुम तो यहाँ मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बनाते हो। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत गोरा था, अभी भारत काला है।
कितनी मनुष्य हैं, सत्युग में तो बहुत थोड़े होंगे ना। संगम पर ही बाप आकर स्थापना करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, उन बच्चों को सिखलाते हैं जिन्होंने कल्प पहले सीखा था। राज्य स्थापना होनी ही है, बच्चे रावण से हार खाते हैं फिर रावण पर जीत पाते हैं, कितना सहज है। तो बच्चों को बड़े चित्र बनाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए, बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, लिखना चाहिए। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है जरूर। जब दुर्गति पूरी होगी तब तो बाप सदगति करने के लिए आएंगे ना, बाबा ने समझाया है। ऐसे कभी भी नहीं किसी को कहना है कि भक्ति ना करो, बाप का परिचय दे समझाना है। तो बाबा कहते हैं जैसे समय तो लगेगा ना। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बड़ा भारी यज्ञ है, इस यज्ञ से ही यह लड़ाई प्रज्वलित हुई। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। मनुष्यों को पीस प्राइज मिलती रहती है, परंतु पीस तो होती ही नहीं। वास्तव में पीस स्थापन करने वाला एक ही पाप है, उनके साथ तुम मददगार हो, प्राइज भी तुमको मिलनी है। बाप को थोड़ी प्राइज मिलती है, बाप तो देने वाला है। तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राइज मिलती है। बेशुमार बच्चे होंगे, बढ़ते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे और देख रहे हैं, पाते जा रहे हैं। तुम अभी प्योरिटी पीस प्रॉस प्रतिस्थापन कर रहे हो। कितनी भारी प्राइज है जानते हो? जितना जो मेहनत करेंगे उनको सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिलेगी। बाप है श्रीमत देने वाला। ऐसे नहीं बाबा आशीर्वाद करो, स्टूडेंट को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। योग बल से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तुम सब सीताएं हो, आग से पार होती हो, पवित्र बनती हो। या तो योग बल से पार होती हो या तो आग में जितना पड़ेंगे, आग में जलना पड़ेगा। योग अग्नि कहा जाता है ना, तो इस आग में जलना पड़ेगा। देह सहित सब संबंधियों को त्याग कर मोस्ट बिलीव्ड बाप को याद करना है, परंतु यह याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किलात है, टाइम लगता है। गाया भी हुआ है योग अग्नि, भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, क्योंकि गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। उसमें राजयोग अक्षर है, परंतु राज अक्षर तुम गुम कर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है। बात बिगर कोई कह न सके, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। अभी तुम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम सब आत्माएं वहाँ परम धाम में निवास करने वाली हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना। सूक्ष्म शरीर है, आकारी शरीर है, हम जैसा साकारी नहीं, इसलिए बाबा ने कहा उनको भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ पति से पावन बनाने, इसलिए ही सब याद करते हैं, पतित पावन आओ। ये एक्यूरेट अक्षर है। बाप कहते हैं हम तुमको पावन सु देवी देवता बना रहे हैं, तो इतना नशा भी चढ़ना चाहिए। बाबा इनमें आकर हमको शिक्षा दे रहे हैं। हम फलों के बगीचे में बागवान बाबा हैं। बाबा का अपने बाबा का हमने हाथ पकड़ा है, इसमें सारी बुद्धि की बात है, स्थूल हाथ नहीं है, बुद्धि की बात है। बुद्धि योग बाबा से लगाते हैं, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा हमको उस पार
विषय सागर से खीर सागर में ले जाते हैं। वहाँ विष होता नहीं, इसलिए उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। निर्विकारी भारत था, अब यह विकारी बना हुआ है। ये चक्र भी भारत के लिए ही है, भारतवासी ही चक्र लगाते हैं और धर्म वाले पूरा चक्र नहीं लगाते। वह तो पिछाड़ी में आते हैं, ये बड़ा वंडरफुल चक्र है। बुद्धि में नशा रहना चाहिए, इन चित्रों पर बड़ा अटेंशन रहना चाहिए। सर्विस करके दिखाओ, विलायत में भी चित्र जाए तो नाम वाला होगा, विहिंग मार्ग की सर्विस हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिल रहा है उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने झरमुई झरमुई में व्यर्थ नहीं कमाना है। सेकंड पॉइंट, कोड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है, उनकी राय पर चलते रहना है। वरदान, सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भाव। स्पष्टीकरण, आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है, यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन यह सिद्धियां रास्ते की चटियां हैं, ये कोई फाइनल मंजिल नहीं है। किसी ने हमारी तारीफ कर दी, महिमा कर दी, तो ये रास्ते की चटियां हैं, ये फाइनल मंजिल नहीं है। इसलिए इसके भी त्यागवान बनो, भाग्यवान बनो। इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता है ही त्याग के भी त्यागी। त्याग किया है ये वर्णन करना नहीं, त्याग के भी त्यागी। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और साकाश दो। साक्षी हो, हर आत्मा का पार्ट देखो और उसको साकाश दो, तो फरिश्ता बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा, साकार रूप में कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। कर्म बंधनों से मुक्त होने से कर्म संबंध को निभाने में देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधन को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने को, रहने की स्थिति में धन का एक एक पैसा, धन का एक एक पैसा सफल करने में साकार ब्रह्मा बाबा साकार जीवन में निमित्त बने। कर्म बंधनी आत्मा कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल बने, जो फॉलो फादर करना ही है। ओम शांति।